हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज हेवन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। क्योंकि आम का सीजन जाने वाला है तो आम की चटनी एक बार तो बननी चाहिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी या मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यह 3 आम कच्चा धो कर लिया है। अब हम इसके छिलके को हटा देंगे। और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आम को ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, उसमें घिसे हुए आम को डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। अगर आपको चीनी में बनाना है तो आप चीनी का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ चीनी के साथ थोड़ा सा गुड़ मिला रही हूँ क्योंकि इससे और भी टेस्टी बनता है। और इसे मिला लें और गैस का फ्लेम धीमी करके इसे ढक देंगे। इसे 3-4 मिनट के लिए ढका था, अब ढक्कन को हटाएंगे और इसे मिला लेंगे। चीनी और गुड़ दोनों मेल्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेंगे। थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। आम का मुरब्बा बना रहे हैं तो इसमें जीरा पाउडर ना डालें। इसे 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे। तीन चार मिनट बाद ढक्कन को हटाएंगे। ये देखिए, आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप इस चटनी को ठंडा करके जार में रखकर बाहर रख सकते हैं। आप इसे रोटी या पराठा, ब्रेड, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। ये आम की खट्टी मीठी चटपटी चटनी खाने में हमेशा ही अच्छा लगता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।